please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। सीबीआई ने बीती रात को अभिनेता सुशांत सिंह केस में अपनी जांच शुरू कर दी है। अब इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत के अगले दिन रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में उनकी बॉडी के पास करीब 45 मिनट तक रही थी। इस दावे को मजबूत कर रहा है एक वीडियो और वो वीडियो सामने भी आ गया है। इस वीडियो में दरअसल रिया चक्रवर्ती के साथ तीन दूसरे लोग नज़र आ रहे हैं। जाने माने न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने यह दावा किया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक उनके हाथ रिया का एक वीडियो लगा है जिसमें रिया कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में अंदर जाती हुई नज़र आ रही हैं और वहाँ से करीब 45 मिनट बाद में वो बाहर निकलती हैं। ये वीडियो 15 जून की सुबह का बताया जा रहा है। इसमें रिया के साथ दो लड़के और एक लड़की भी नज़र आ रही है। इन अन्य लोगों के बारे में ये माना जा रहा है कि इनमें जो लड़की है वो श्रुति मोदी है, जबकि दोनों लड़कों में एक रिया का भाई शौविक और दूसरा सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा बताया जा रहा है। ये हैरान करने वाला है कि सिर्फ पुलिस वालों और घर वालों को इसकी परमिशन होती है कि वो पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद रहें, लेकिन रिया सुशांत सिंह के साथ में सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थी। ऐसे में उनका डेड बॉडी के पास में 45 मिनट तक मौजूद रहना सवाल उठा रहा है कि उनको कैसे पीछे के गेट से अंदर जाने की मुंबई पुलिस ने इजाज़त दी, और वो भी उस वक्त जब कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में इस तरह से लोगों को इजाज़त नहीं थी। वीडियो सामने आने के बाद बार बार यही सवाल उठ रहा है कि मॉर्चरी जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की इजाज़त रिया को आखिर मिली कैसी। इस पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक सवाल पूछा है कि क्या रिया ने प्रतिबंधित क्षेत्र और मॉर्चरी में सुशांत के शव से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ की होगी, मतलब कि सुशांत की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के दौरान कहीं सबूतों की टैम्परिंग तो नहीं की गई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल उठाया है, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा अपने ट्वीट में, जब आरसी कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा था तब वहाँ लिव इन गर्ल रिया 45 मिनट के लिए मौजूद थी। क्या जब पोस्टमार्टम चल रहा था तब वह रूम के अंदर थी और सबूतों से छेड़छाड़ कर रही थी। उनका निकनेम फेमी फैटलिया, जिसको मैनेटर या खलनायिका, हिंदी में कहें हम खलनायिका कर देना चाहिए। मुंबई पुलिस को रिया को मॉर्चरी में 45 मिनट तक रहने देना अब सवालों के घेरे में आ गया है। सीबीआई जांच चल रही है, कल रात से शुरू हो गई है, जल्द नए खुलासे होंगे। जो भी है सच देश के सामने आएगा। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपसे कोई खबर छूटेगी नहीं। शुक्रिया।